हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई सीरीज़ में जिसका नाम है डेरिवेटिव्स का ज्ञान माय नेम इज़ देवेन मेहता डेरिवेटिव एनालिस्ट फ्रॉम चॉइस ब्रोकिंग सो ये सीरीज में हम लोग जानेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होता है डेरिवेटिव्स के टाइप्स क्या होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं कौन से ट्रेडर्स डेरेवेटिवस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स में ऑप्शनस में और ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज़ कैसे बिल्ड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज़ में जानेंगे तो हम लोग शुरू करते हैं वॉट इज़ डेरेवेटिवस तो डेरिवेटिव इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सनस हमेशा दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसे हम डेरेवेटिवस कहते हैं इसका वैल्यू या इसकी प्राइस जो है वो डिराइव होती है एक अंडरलाइंग एसेट के साथ ये एसेट्स कुछ भी हो सकते इक्विटीज कमोडिटीज़ और करेंसीज सो so, हम लोग एक एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझते हैं डेरेवेटिवस क्या होता है से फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी जूस सेंटर में जाते हो और एप्पल का जूस ऑर्डर करते हो और वो एप्पल जूस आपको फिफ्टी रुपीज़ में मिलता है तो जो एप्पल का जूस है वो एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है फिफ्टी रुपीज़ उसका प्राइस है अभी ये प्राइस डिराइव होता है एसेस एसेट के साथ मतलब ये प्राइस डिराइव हुआ है एप्पल के प्राइस के साथ तो अगर एप्पल का प्राइस बढ़ता है इन फ्यूचर तो एप्पल जूस का भी प्राइस बढ़ेगा इन फ्यूचर एंड अगर एप्पल का प्राइस कम होता है वैसे ही एप्पल जूस का प्राइस भी कम होएगा सो so, दिस इज़ वन ऑफ़ दी एग्जाम्पल जो कि डेरेवेटिव का है हम लोग आगे देखते हैं वट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डेरेवेटिव तो सबसे पहले है प्राइस डिस्कवरी हमेशा कोई भी प्रोडक्ट या उसका डेरेवेटिव ट्रेड होता है तो उसकी प्राइस डिस्कवरी करेक्ट हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग शेयर्स का बात कर ले तो फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस का शेयर है और रिलायंस का शेयर डेरेवेटिव में भी ट्रेड करता है तो उसका इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब उसका फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू ये अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेंगे और उसका प्राइस डिस्कवरी परफेक्ट होगा अगर कोई स्टॉक है जो कि डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं करता तो वो स्टॉक जो है उसका फेयर वैल्यू या उसका जो इंटरेंसिक वैल्यू है और उसका मार्केट वैल्यू उसमें ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेरिवेटिव जहाँ पे प्राइस डिस्कवरी परफेक्ट होता है नेक्स्ट इज हेजिंग हेजिंग एक हम लोग सिंपल एग्जाम्पल के साथ जानेंगे हेजिंग का मतलब क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस का फॉर एग्जाम्पल आपके पास शेयर्स है से फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किया है रिलायंस के शेयर्स में फॉर नेक्स्ट वन टू ईयर्स ठीक है अगर शॉर्ट टर्म में आपको लग रहा है कि रिलायंस का शेयर जो है थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है तो ऐसे टाइम पे आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते करके वो रिलायंस के शेयर्स को आप शॉर्ट कर सकते हो वो शॉर्ट पोजिशन में आप जब भी रिलायंस का शेयर नीचे आएगा इन द शॉर्ट टर्म तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो और वापस जब भी ऊपर जाएगा तो रिलायंस के आपके जो पोर्टफोलियो में शेयर्स है उसमें प्रॉफिट होता ही नज़र आएगा तो शॉर्ट टर्म का लॉस जो है वो आपको अगर कम करना है या आपको वो नहीं रखना है तो उस चीज़ के लिए जब डेरिवेटिव प्रोडक्ट यूज़ होते हैं सो दैट इज हेजिंग सो हेजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव uh, uh, का इम्पोर्टेंस uh, है नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन ये भी हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल में समझेंगे फॉर एग्जाम्पल पी का शेयर है पी का शेयर चल रहा है फिफ्टी रुपीज़ के आसपास आपको अगर फिफ्टी रुपीज़ का शेयर बाय करना है और से फॉर एग्जाम्पल अगले एक महीने के लिए बाय करना है और आपको अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना है फॉर एग्जाम्पल एट लाख टू टेन लाख रुपीज़ सो आप इसमें क्या कर सकते हो पी के शेयर्स लेने की जगह पर आप पी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 15,000, 16,000 के लॉट में आएगा सो आपका स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब जो आपकी ऑर्डर है वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगी जब भी आप शेयर्स खरीदते हैं तो 15 या 16,000 शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे जो कि वन बाय वन होगा जैसे जैसे सेलर्स वहाँ पे वो प्राइस पे आएंगे वैसे वैसे आपके अकाउंट में वो शेयर्स आते जाएंगे वेर एस जब आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो सिक्सटीन का एक लॉट है तो एक लॉट आपने खरीद लिया एक लॉट सामने बेच दिया सो दैट विल बी अ स्पीडी वे ऑफ एग्जीक्यूशन और इससे जो है आपके फ्यूचर uh, का कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से स्पीडी स्पीड speed में आपको मिल जाएगा सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेरिवेटिव नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी इन द अंडरलाइंग मार्केट अभी स्टेबिलिटी इन अंडर अंडरलाइंग मार्केट का मतलब ये है कि जब भी, भी कोई भी स्टॉक या कोई भी प्रोडक्ट डेरिवेटिव में ट्रेड करता है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शेयर है जो डेरेवेटिवस में ट्रेड करता है तो वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है तो हर हमेशा क्या हो जाता है कि किसी भी स्टॉक में जहाँ पे डेरेवेटिव ट्रेड होता है वहाँ शॉर्ट सेलर्स अवेलेबल होते हैं तो उससे क्या होता है कि शॉर्ट सेलर्स रहेंगे और बायर्स भी रहेंगे तो वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी क्योंकि जो ट्रेड होगा वो रेगुलर होगा वेरस कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं करते वो स्टॉक्स हमें देखने मिलता है कि सर्किट्स पे ट्रेड करते हैं बहुत टाइम क्योंकि वहाँ पे जब बायर्स रहता है तभी कोई सेलर नहीं रहता कभी सेलर्स आएंगे तो कभी बायर नहीं रहेंगे उसकी वजह से क्या होगा वो स्टॉक सर्किट में चलेगा वेरस डेरेवेटिव वाला स्टॉक सर्किट्स में नहीं चलता वो uh, कुछ एक्सेप्शनल स्टॉक हो सकते हैं डेफिनेटली बट सारे स्टॉक्स जो डेरेवेटिव में ट्रेड करते हैं वो सर्किट्स पर नहीं चलते वो Uh, काफी स्टेबल वे में चलते हैं सो दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेबिलिटी इन द अंडरलाइंग मार्केट रहेगा जब भी कोई स्टॉक डेरिवेटिव्स uh, में ट्रेड करेगा सैन नेक्स्ट इज यूजर्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट तो कौन कौन uh, लोग हैं जो यूज करते हैं डेरिवेटिव मार्केट को तो सबसे पहले है हेजर्स हेजर्स जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो का शॉर्ट टर्म लॉस अगर आपको होने वाला होगा या शॉर्ट टर्म में थोड़ा मार्केट नीचे जाने वाला होगा तो उस टाइम पे डेरिवेटिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके वो लॉस को कम करते हैं और उससे क्या होता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल और वो वो जो लोग हैं जो अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हैं दैट आर हेजर्स नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटर्स स्पेक्यूलेटर्स वो लोग हैं जो मार्केट में इंटेंशनली आते हैं मार्केट में आ आके डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं और प्रॉफिट कमाने का कोशिश करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कि रिलायंस का शेयर अगर लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा नीचे जा सकता है तो लोग आएंगे रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करेंगे नीचे जाएगा अगर तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे सो so ये लोग ने क्या किया इंटेंशनली शॉर्ट पोजिशन बनाया स्पेकुलेट किया मार्केट को और अपना प्रॉफिट कमा लिया so these are the one of the users of derivatives market next is arbitrages arbitrages ek uh, bahut hi uh, unique sa users hai jo log kya karte hai price ke difference ko istemal karte hai say for example futures ka price alag chal raha hai spot ka price alag chal raha hai तो ये दोनों price में जो mismatch है वो mismatch का इस्तेमाल करके वहां पे जो profit बनाते हैं वो रहते हैं आर्बिट्रेजेस so these are one of the users नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेरेवेटिव के क्या क्या टाइप्स है तो सबसे पहले है फॉरवर्ड्स फॉरवर्ड्स का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोगों के बीच में होता है अभी ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी किसी भी मिडल मैन के थ्रू नहीं होगा ये कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग बोलेंगे ओ टी सी काउंटर्स आउट ऑफ ओ टी सी ओवर द ट्रेड काउंटर्स और यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं होगा सो दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट इज फ्यूचर्स फ्यूचर्स मतलब वो ट्रेड्स या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे मिडल मैन इन्वॉल्व रहता है फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं इक्विटीज़ में तो एक्सचेंज इन्वॉल्व रहता है कमोडिटीज़ या करेंसीज में तो एम सी एक्स एक्सचेंज इन्वॉल्व रहता है या एन एस सी एक्सचेंज इन्वॉल्व रहता है तो ये एक्सचेंज जो मिडल मैन का काम करते हैं इसलिए हमें इसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो इन फ्यूचर्स को हम लोग बोलेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट इज ऑप्शंस ऑप्शंस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ ट्रेडिंग है डेरिवेटिव्स के अंदर जहां पे दो टाइप्स होते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एक कॉल ऑप्शन क्या होता है ये पुट ऑप्शन क्या होता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं ये सारे हम लोग आगे के वीडियोस में जरूर देखेंगे लेकिन ऑप्शंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव मार्केट का प्रोडक्ट uh, है जो यूज़ uh, करके लोग वहाँ पे प्रॉफिट भी बनाते हैं हेजिंग भी करते हैं आर्बिट्रेजर भी करते हैं और उसके साथ साथ स्पेकुलेशन भी करते हैं तो ये सारे जो वेज uh, है ट्रेडिंग के वो सारे ऑप्शंस के ज़रिए भी किए जा सकते हैं सो so, हम लोग आगे ज़रूर देखेंगे लेकिन ऑप्शंस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव नेक्स्ट इज़ स्वैप्स स्वैप्स वो होता है जहाँ पे दो कंपनीज या दो बैंक्स हमेशा इन्वॉल्व होते हैं जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ए और कंपनी बी ये दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग स्वैप्स बोलेंगे या फिर बैंक्स के बीच में से फॉर एग्जाम्पल एच डी एफ सी बैंक और आई सी आई सी आई बैंक इन दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो दैट इज़ स्वैप्स और ये स्वैप्स जो है यहाँ पे भी मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होता है सो दिस आर दी ओ टी सी काउंटर्स ओवर द काउंटर ट्रेड्स यहाँ पे एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है वेर एस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में एक्सचेंज इन्वॉल्व होते हैं और वो डेरिवेटिव टाइप है जहाँ पे डिफॉल्ट होने का चांसेस कम रहता है और स्वैप्स में डेफिनेटली दो बड़े कंपनीज रहती है तो चांसेस फॉरवर्ड से कम है डिफॉल्ट के लेकिन यहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं सो दिस मच इन दिस वीडियो ये सारे टाइप्स भी हम लोग ने देख लिए थैंक यू एवरीवन investment in securities market are subject to market risk read all the related documents carefully before investing